नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 8 दिन में सीएम के गोरखपुर के होंगे 3 दौरे, मिलेगी करीब 3,000 करोड़ की सौगात। 27 नवंबर को करीब 1,822 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 28 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना में 1,000 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। 30 नवंबर को गीरा दिवस समारोह में होंगे शामिल। 200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 4 दिसम्बर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारम्भ अवसर पर रहेंगे मौजूद। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होकर करीब 950 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर के महायोजना 2031 पर प्राप्त आपत्तियों की जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में सुनवाई का कार्य हुआ प्रारंभ। कहा, 100 व्यक्तियों की गई है सुनवाई, अगले 15 दिनों तक जारी रहेगी सुनवाई। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। कहा, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी का बस से उतरने के दौरान गुम हुए पिच्छू बैग को यातायात निरीक्षक रामज्ञा प्रसाद द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के पास से किया गया बरामद। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात कार्यालय बुलाकर विवेक त्रिपाठी को किया सुपुर्द। बैग में डेल का था लैपटॉप। बैग को प्राप्त कर विवेक त्रिपाठी ने गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की काफी प्रशंसा। लेक व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 208 में फंसे 2 साल के बच्चे को फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू यंत्रों के साथ किया रेस्क्यू। सीएफओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा, बच्चे को साकुशल उसके मां और पिता को किया गया है सुपुर्द। सिख वेशभूषा के रूप में गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं बहरूपीय। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, गुरुद्वारे के किसी भी कार्यक्रम में नहीं वसूला जाता है किसी प्रकार का चंदा। सिख धर्म में चंदा मांगना बहुत ही है निंदनीय। पीट व छेड़खानी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रभात कुमार पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला का सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के 6,742 दिव्यांग बच्चों को दिया जा रहा है शिक्षा। विद्यालय न आने वाले बच्चों को घर पहुंचकर पढ़ने के लिए किया जाता है प्रेरित। प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त राज उर्फ किशन जायसवाल को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू को किया बरामद, भेजा जेल। राजकीय बौद्ध संग्रहालय परिसर में क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शिवम निषाद ने प्रथम, खुशी त्रिपाठी दूसरा, रीला गुप्ता ने प्रतियोगिता में पाया तीसरा स्थान। बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक ने कहा, इस तरह की प्रतियोगिता से छात्र बनेंगे प्रतिभावान। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेंटर ड्यूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, भारत में जल संकट के टॉपिक पर पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 30 नवंबर को विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 3 बार गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। हर दौरे पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जन कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो साथ ही शिक्षा व संस्कृति के समारोह से जुड़ेंगे। इस दौरान वह समाज के प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी करेंगे। इन दौरे के दौरान कुल मिलाकर मुख्यमंत्री करीब 3,000 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं को गतिमान करेंगे। 8 दिनों के दरमियान मुख्यमंत्री का पहला दौरा 27 नवंबर को होगा। इस दिन वह 474.42 करोड़ रुपए की लागत वाले गुरदहिया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन व ट्रीटमेंट के निर्माण से संबंधित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 27 नवंबर को ही सीएम गोरखपुर सिवरेज योजना C-5 की भी आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की लागत 561.34 करोड़ रुपए है। सीएम के हाथों 96.50 करोड़ रुपए की लागत वाले जेल बाईपास 4 लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर की भी शिलान्यास होगा। इसके साथ ही आयुष विश्वविद्यालय की महत्ता के दृष्टिगत भटहट से बास स्थान मार्ग के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 689.35 करोड़ रुपए है। इन सभी 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का समारोह 27 नवंबर को अपराह्न 4 बजे से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगा, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरे दिन 28 नवंबर को सीएम योगी सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में शामिल होकर जन सामान्य को आश्वस्त करेंगे कि उनके रहते किसी गरीब की बिटिया की शादी के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस समारोह में मुख्यमंत्री 9 युगलों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 30 नवंबर को पुनः गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उनके हाथों प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क तथा फ्लेटेड फैक्ट्री का शिलान्यास भी होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के पूर्व मुख्यमंत्री का गीडा दौरा प्रदेश में निवेश के माहौल को और मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि गीडा दिवस समारोह में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव मिल सकते हैं। 8 दिनों के दौरान तीसरे दौरे पर मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहेंगे। इसी दिन अपराह्न 4 बजे से वह 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया महेवा नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट से संबंधित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना की लागत 53.03 करोड़ रुपए है। वह 429.49 करोड़ रुपए की लागत से टीपी नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए पैडलेगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण तथा अतिरिक्त 4 लेन द्वारा देवरिया बाईपास रोड को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर उपमार्ग देवरिया बाईपास के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी होगा। इस परियोजना की लागत 399.24 करोड़ रुपए है। 67.35 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ ताल नौकायन से देवरिया बाईपास तक 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। शिलान्यास के ये सभी कार्य महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होंगे। शिलान्यास समारोह के साथ ही मुख्यमंत्री यहां प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में महायोजना 2031 पर आए आपत्तियों की योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में सुनवाई की गई, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि महायोजना 2031 को फाइनल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 11,000 आपत्तियां प्राप्त हुई थी जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांट कर सुनवाई शुरू की गई है। शुक्रवार को 100 लोगों की सुनवाई की गई है। शनिवार को भी 100 आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। अगले हफ्ते
से 300 आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। हम लोग अलग अलग ग्रुप को बुलाकर सुनवाई कर रहे हैं, जिससे आपत्तियों की सुनवाई करने में आसानी हो। आगे बोर्ड के सदस्यों के साथ आपत्तियों पर बैठक की जाएगी। अंतिम निर्णय से सभी आपत्ति करने वाले नागरिकों को अवगत करवाया जाएगा और यह सुनवाई 15 दिनों तक चलती रहेगी। इसलिए जो भी नागरिक किसी भी तरह की आपत्ति डाला हो, वह प्रेक्षा गृह पर 15 दिनों के अंदर आकर अपना सुझाव दे सकता है। इस अवसर पर जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, सहायक संपत्ति अधीक्षक इंद्रजीत सिंह, नगर नियोजक अरविंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने कहा, मीना वर्मा हो गया, ठीक है सर, अब आने दीजिए और लोगों को आ जाने दीजिए। मैं एक साथ में मकान बना हुआ है, नक्शा पास है, मैं इसे सभी लोगों के साथ खड़ा कर लिया, उनका कुछ कर लिया, यही तरीका है कि ग्रुपिंग करके जल्दी हो जाएगा। हाँ, उनको छोड़ कर दिया, छोड़ दिया, जिसको उस वाले जितने आए थे। ठीक है, आपको तो आज 100 लोगों को हमने बुलाया है और टाइम ही क्या रखा गया है, कब तक रहेगा? ठीक है, कुछ मस्त आपने रहा करेगा। 15 दिन जो है हम लोग लगभग यहाँ पे चाय पिया और 200 बैठेगा, फिर एक बार लाएगा हम 500 तक ले आएंगे। हमने 100 किए अभी के चले गए, उसके बाद सर उसको बढ़ा, फिर इसको ना 100 के बाद में आप कोई दिक्कत नहीं, लोग सुन लेंगे, दिखाई दिखाई उनकी गलती नहीं है, घर बन गया है। हाँ, जमीन खाली बची ही नहीं, और पिछली बार भी पोखंडी पार डाल दिया गया था, इस बार अभी हटाया नहीं है। अच्छा, आपका सुन लिया गया, आप थे ना, तो है ना, तो आपकी बात हो चुकी। हाँ, तो उसको हटाना है सर, वो सुनवाई तो एक बार ही होगी ना। ठीक है, 2000 पास में आपकी बात तो हमने सुन ली, 2000 से ही सर वो चल रहा है, ये अपने पास रखिएगा, ये तो आप वापस हो गया, आपको आने के बैठ जाइए, बैठ जाइए मास्टर साहब बात सुना दे। तो किसी तरह जमीन खरीदा, कुछ बैंक से लोन लेकर, आज भी वो लोन चुकता कर रहा है, और वहाँ अपने जमीन बच्चे हमसे अलग हो गए हैं, वो अपना कहीं प्राइवेट नौकरी जॉब करते हैं, अपना अपना परिवार लेकर, हम पति पत्नी वहाँ रहते हैं। तो सर मेरा यही निवेदन है कि वहाँ बहुत सारे लोग नक्शा पास करवा कर बनवाए हैं, जब जमीन खरीदी गई लैंड यूज आवासीय था, 2031 के महायोजना में उसको आवासीय ही रखा जाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे जैसे गरीब कहाँ जाएंगे सर, आप कहाँ शरण हमको कहाँ देंगे, हम कहाँ रहेंगे बताइए। तो मुझे लगता है कि सारे जो लोग जंगल सीकरी से आए हैं उनका एक यही आपत्ति है कि जब अब जो है उसको ग्रीन कर दिया गया वो 100 मीटर की वजह से, तो आप लोगों की आपत्ति यही थी कि चूंकि पहले आवासीय था तो कुछ नक्शे भी प्राधिकरण के द्वारा पास किए गए हैं, तो उसको अब पुनः उस ओरिजिनल प्रारूप में ही रखा जाए और उसको चेंज ना किया जाए, ये आपकी आपत्ति है ना। ठीक है, तो क्योंकि सब लोग एक ही बात आप लोग कहेंगे, तो सबकी बात को हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है, और एक बार जब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि 11,000 आपत्तियां हैं, तो हम भी समय थोड़ा सा लगेगा 15 दिन का, 15 दिन के बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट जो है आपकी बात को बहुत प्रैक्टिकल रूप से और व्यवहारिक रूप से जो निर्णय होगा हम लोग अपनी बात को बोर्ड के सामने रखेंगे, और संभवतः अच्छे अच्छे रिजल्ट आप लोगों को आएंगे और शहर को बेनिफिट होगा, ऐसे महायोजना हम लोग फाइनल करेंगे। इनका नक्शा 31 अक्टूबर को पास हुआ है। हाँ, नहीं, ठीक है, आपकी सारी बात को विधिवत रूप से हम लोगों ने नोट कर लिया है, और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ VC होने के नाते इनको भी गलत नहीं किया जाएगा।
देखिए, हमारा जो मास्टर प्लान है उसको हम लोग फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में जो हम लोगों ने आपत्तियाँ जो हमें प्राप्त हुई थी, लगभग 11,000 आपत्तियाँ हमको प्राप्त हुई थी, तो उनको सबसे पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग करने के बाद में कैटेगरीज में डेवलप किया कि किस किस कैटेगरी में आपत्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, और फिर उनको ग्रुपिंग करने के बाद में आज से हमने उनकी सुनवाई प्रारंभ की है। तो आज चूँकि पहला दिन था तो हम लोगों ने 100 लोगों को आज यहाँ पर इन्वाइट किया था, और उसके बाद में कल और परसों भी हमारे पास में 100-100 लोगों को हमने इन्वाइट किया है। अगले वीक से ये संख्या हम प्रतिदिन जो है 300 के आसपास संख्या हम बढ़ाएंगे, और अगले वीक में फिर इसको 500 पर डे तक हम लेके जाएंगे, और ग्रुपिंग करके हम बुला रहे हैं, एक ग्रुप के लोगों को एक साथ बुला रहे हैं ताकि हमें सुनवाई करने में भी आसानी हो और उनको भी अपनी बात कहने में आसानी हो। तो जितने भी उनके मत हैं वो सारे मत एक बार में निकल के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में निर्णय हम लोग ले सकें। आगे की जो कार्रवाई होगी, एक बार समिति एक बार अपना निर्णय यहाँ पर कर लेगी, उसके बाद में जो हमारे निर्णय है वो बोर्ड के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और उसमें जो निर्णय होगा वो आज के समिति में हम यहाँ से प्रेषित करेंगे, और जो अंतिम निर्णय होगा वो पब्लिक को भी हम लोग जो यहाँ पे रहवासी हैं, गोरखपुर निवासी हैं, या बाकी लोग जितने भी लोग जिन्होंने आपत्तियाँ की हैं या नहीं भी की हैं, तो मास्टर प्लान में जो इंटरेस्ट रखने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम विधिवत रूप से ये सारी सूचना उनको उपलब्ध कराएंगे। कितने दिन तक सुनवाई होती रहेगी? हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम लोग इनको पूरा कर लें, बट लगभग 15 दिन का समय इसमें लगेगा। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, पीटी ऑफिस पर प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्रवाई, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्रवाई, रेस्क्यू किए गए बालकों के पुनर्वास और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रयास करें कि कोई भी बच्चा दोबारा रेस्क्यू की जाने वाली जगह पर ना पहुंचे, और जो भी समस्या आ रहे हैं उनका समाधान एसपीओ के माध्यम से प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, विशेषज्ञ बाल संरक्षण, पूर्व वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, अभियोजन अधिकारी, कारागार विभाग, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, यूनिसेफ, चाइल्ड लाइन, शेल्टर होम, स्नेहालय, सेफ सोसाइटी के सदस्य एवं थाना एएचटी व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ इंटीग्रेटेड रूप से इसी नाते बुलाए जाते हैं, लेकिन जब वो जो कहीं है ना कि रेस्क्यू किया जाता है, फिर 3 दिन बाद चले। मेरे पास कोई डाटा नहीं आया कि उनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए उसको कस्तूरबा से जोड़ दिया गया, उसको फला योजना से जोड़ दिया गया, उसको फला योजना से जोड़ दिया गया। अभी आप जो बात कही है इसे उसको लेकर अगर 5 ही मॉडल बना देती तो एसपी क्राइम साहब हम लोग कह सकते थे कि बच्चों के एसजेपी और एसटीयू मीटिंग में 5 डेमो बालक है जिनको हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की। तो उनसे उन्होंने मुझे बताया कि उनकी संस्था मतलब बच्चों के मामले में काम करती है, और माइक्रो फाइनेंस से एसजीएच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करती है। तो मैंने उनसे इस बात पर चर्चा की, जो हमारे बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उनको हम तभी उनको बाल श्रम से मुक्त कर सकते हैं जब उनकी फैमिली जो है इकोनॉमिकली साउंड हो, इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग हो। जब वो इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगी तो फिर उनके बच्चे फिर 4 दिन बाद वहीं सड़क पर नजर आएंगे, उसी ढाबे पर नजर आएंगे और उसी दुकान पर नजर आएंगे। तो मतलब मैं मुझे लग रहा है कि हम क्योंकि एसटी में है, मैं देख रही हूँ उसको, तो मुझे लगता है अगर एक बार एक बच्चे को अगर रेस्क्यू कर दिया तो कम से कम उसके भविष्य में चेंज आ जाना चाहिए। इस तरह के बच्चे मिल रहे हैं तो उनको जोड़, हम लोग इंडिविजुअली लेवल से जाकर के 1 या 2 बच्चियों को कस्तूरबा में एडमिशन करा पाए, सिर्फ 1 या 2 करा पाए। दूसरी बात यह है कि जो रेस्क्यू टीम जाती है वो रेस्क्यू किए गए बच्चों का उपयुक्त पता, एग्जैक्ट माता पिता का नाम इत्यादि हो सकता है। क्या उसके मामा को जेल में से वो सर को दरवाजा रखते हैं, हमारा उधर ही बता रहे हैं स्कूल वगैरह उसमें हम उसको शिफ्ट कर दें। जो भी सरकार की योजनाएं हैं बच्चे को
हुआ है, सब कुछ खाना आपको जानकारी होगी अगर सर पुलिस वालों का भी काम है तो देखते रहेंगे बच्चों की जो प्रोफेशनल मैं किस संबंध में आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है ये SGPU और ASTU की मासिक बैठक है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आते हैं और जो बच्चे हमारे रेस्क्यू किए जाते हैं SGPU के द्वारा जो बाल श्रमिक हैं या जो अनाथ बच्चे ऐसे सड़कों पे पाए जाते हैं उनके पुनर्वास के संबंध में आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा हुई और जो श्रम विभाग और सरकारी योजनाएँ हैं जो ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए हैं चाहे उनके एजुकेशन संबंधित हो या उनको इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट करने की बात हो उनके पेरेंट्स को इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन बनाने की बात हो उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही जो विवेचकगण हैं पॉक्सो एक्ट के और जे जे एक्ट के उनको क्या समस्याएं आई हैं उस पर चर्चा हुई है। इस प्रकार इस और जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है यहाँ पे। तो इस तरह से एक विस्तृत चर्चा हुई है बच्चों के संबंध में और ये प्रयास है कि हम जो बच्चे रेस्क्यू करते हैं उनको हम पुनर्वासित कर सकें ताकि वो पुनः दोबारा जहाँ से हमको रेस्क्यू कर रहे हैं चाहे वो ढाबे हो या सड़क हो वहाँ पे दोबारा न दिखें और एक अच्छे भविष्य उनके लिए इंश्योर कराना ये हम लोगों का आज चर्चा का विषय रहा है। हाँ ये दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस दिशा में प्रयास करें कि कोई भी बच्चा दोबारा जहाँ से रेस्क्यू किया गया वहाँ ना पहुँचे और जो विवेचकगण हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि वो समयबद्ध तरीके से जो पॉक्सो एक्ट की योजना है उनका निस्तारण करें और जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान जो SPOs हैं उनके माध्यम से प्राप्त करें और CWC के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको बना के रखें ताकि कोई समस्या ना आए भविष्य में। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी पुत्र योगेंद्र त्रिपाठी ग्राम सठियाओ थाना कुकुंदू जनपद देवरिया के निवासी जनपद गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौराहे पर बस से उतरने के दौरान पिट्ठू बैग जिसमें एक अदद डेल कंपनी का लैपटॉप रखा हुआ था जो बस में छूट गया। काफी खोजबीन के दौरान बैग नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने यातायात कार्यालय पर सूचना दी। सूचना मिलने पर तत्काल ITMS कंट्रोल रूम से सूचना दिया गया। इसके बाद ITMS कंट्रोल रूम द्वारा सूचना पाकर अनाउंस किया गया जिसके बाद यातायात निरीक्षक रामज्ञा प्रसाद द्वारा बैग की खोजबीन की गई तो रोडवेज बस स्टैंड के पास बैग मिल गया जिसकी सूचना तत्काल बैग के स्वामी विवेक त्रिपाठी को दी गई। सूचना मिलते ही विवेक त्रिपाठी यातायात कार्यालय पर आकर SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा अपने बैग को प्राप्त किए तथा गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की उन्होंने काफी प्रशंसा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा मैंने फोन पे भी रात भर मैंने से बात की और भी दिल्ली में जो रेस्टोरेंट है सबसे मैंने का बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, वो सब बोले कि आप बिल्कुल इतना चेंज हो गया कि लैपटॉप मिल जा रहा है रिकवर हो जा रहा है तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी जी हैं जो कि उधर गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। कल ये बस से आ रहे थे तो इनका लैपटॉप एक बस में छूट गया था, ढूंढते रहे, फिर इन्होंने ITMS कंट्रोल रूम को सूचना दी, फिर ITMS के कर्मचारियों ने जो है आज सुबह उस बैग के लिए अनाउंस करके और इनके बताए हुलिया के मुताबिक गाड़ियों में चेक करके ढूंढ लिया उस बैग के लिए और उस बैग के लिए आज इनके सपोर्ट कर दिया गया। इनके द्वारा यातायात पुलिस की सराहना की गई क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा यहाँ पर जो है खोया हुआ लैपटॉप जो है वापस मिल जाएगा।
इसके लिए विवेक त्रिपाठी जी ने गोरखपुर पुलिस की काफ़ी सराहना की है और मैं अपनी ओर से ITMS की टीम को और ट्रैफिक टीम को बधाई देता हूँ। सर क्या करना चाहेंगे उन लोगों से जो उनका अधिकतर सामान छूट जाता है? देखिए, जिनका सामान छूट जाता है उनके लिए तो स्वयं ही सतर्क रहना चाहिए, बाकी आम जनमानस की जिम्मेदारी है, उसका ये अंतःकरण है, किसी का सामान खो गया है तो उसको खोज के हमारे सिटी कंट्रोल रूम में दे दे या ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दे दे, तो हम उनको खोज के उनकी आइडेंटिटी चेक करके उनका सामान वापस कर देंगे। ऐसे करीब 100 लोगों का सामान हम लोग अभी तक वापस कर चुके हैं। CFO अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि रात्रि 11:20 पर फायर सर्विस गोलघर गोरखपुर को सूचना मिली कि रामगढ़ ताल थाना के अंतर्गत नक्षत्रशाला तारामंडल के पास लेक व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 208 में 2 साल का बच्चा शशि घर में फंस गया है, जो कि अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है। सूचना मिलने के बाद FSO ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू यंत्रों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर फायर यूनिट द्वारा फायर चैंक के ऊपर एक्सटेंशन लैडर सीढ़ी लगाकर फ्लैट के बालकनी तक पहुंचकर मार्ग बनाया गया। उसके बाद बालकनी के रास्ते फंसे हुए बच्चे के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा गया और जाली को तोड़ते हुए दरवाजा को काटकर बच्चे तक पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित पाया गया तथा बच्चे को सकुशल उसके माँ और पिता को सौंप दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CFO अरविंद कुमार सिंह ने कहा, फायर रेस्क्यू की टीम लेक व्यू अपार्टमेंट तारामंडल में रात्रि को 2 साल का बच्चा अंदर से दरवाजा बंद किए हुए था। फायर अफसर महोदय 11:50 रात्रि 11:50 पे दरवाजा अंदर से बंद किया था 2 साल का बच्चा शशि लेक व्यू अपार्टमेंट में, जिसमें फायर सर्विस ऑफिसर महोदय श्री ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। दरवाजे को जो बच्चा अंदर से बंद किया था खोल करके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकल गया। फायर सर्विस को कल रात को 11:20 पर जो है एक सूचना मिली कि लेट व्यू अपार्टमेंट में जो है एक बच्चा जो है 2 साल का है, जो अपने आप को बंद कर लिया है। किसी भी तरह से गलती से उसकी सिटनी लग गई थी, उसके काफ़ी लोग गार्जियन परेशान थे। तत्काल फायर सर्विस को इस सूचना गोलघर को मिली और मैंने तत्काल ही टीम को रवाना किया वहाँ पर ब्रजमोहन FSO के नेतृत्व में, और इनके द्वारा जो है लेडर के माध्यम से बालकनी के माध्यम से जो है उस बच्चे को जो है जा करके जो है सफलतापूर्वक जो है निकाला गया। एक अच्छा कार्य हुआ, एक छोटा बच्चा जो है फंसा हुआ था और लोगों द्वारा जो है काफ़ी इसकी प्रशंसा की गई फायर टीम द्वारा। जटाशंकर गुरुद्वारा अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बाहर से आए हुए कुछ लोग जो सिख के रूप में वेशभूषा बनाए हुए हैं, वह गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म हमेशा सेवा करके अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और समाज का सिख धर्म पर एक विश्वास बन गया है कि सिख धर्म का कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता है, उसी का नाजायज फायदा उठाकर लंगर के नाम पर घर घर जाकर चंदा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर में 3 मुख्य गुरुद्वारे हैं, जटाशंकर, मोहद्दीपुर और पैडलीगंज। इसके अलावा फर्टिलाइजर और मघर में भी गुरुद्वारा है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे के किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार का चंदा नहीं वसूला जाता है। हम सभी सिख भाई आपस में मिलकर कार्यक्रम को पूरा करते हैं। उन्होंने सभी जनमानस से निवेदन करते हुए कहा कि कहीं पर भी किसी को भी किसी प्रकार का चंदा ना दें। अगर गुरु जी के प्रति श्रद्धा है तो गुरुद्वारे में आए, गुरुद्वारे में पड़े हुए गुल्लक में अपने पैसे डाल दें या गुरुद्वारे के जिम्मेदार व्यक्ति को पैसा देकर उससे रसीद जरूर प्राप्त कर लें, ताकि जो भी आपकी मेहनत का पैसा है उसका सदुपयोग हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। जी, वीडियो वायरल हो रहा है गुरुद्वारा के नाम पे लोग कुछ लोग चंदा मांग रहे हैं। जी क्या है? ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर में
कुछ बाहर से आए हुए लोग तथा कथित सिख वेशधारी लोग हैं, वो गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे के नाम पर और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय कृत्य है। सिख धर्म हमेशा सेवा करके अपनी एक पहचान बना चुका है और हम ये कहते हुए गर्व है कि समाज का जो सिख धर्म पर एक विश्वास बन गया है कि सिख कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा के कुछ तथाकथित लोग लंगर के नाम पर घर घर जाके चंदा मांग रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो तीन गुरुद्वारे मुख्य गुरुद्वारे, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर, गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पेडलेगंज, इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी एक गुरुद्वारा है और मगहर में भी एक गुरुद्वारा है। हम लोग अपने कार्यक्रम में भी जनमानस से कोई चंदा कभी नहीं वसूलते हैं, अपना जो भी कार्यक्रम होता है आपस में मिलजुल कर या जो आके यहाँ पर दे जाता है उससे लेके करते हैं। अभी हमको पता चला है कि लोगों ने 2,500 3,000 रुपये तक इन लोगों को चंदा दिया है, जो कि उनका दुरुपयोग है। जब आप दान करते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये देखें कि आपका दान का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर वो निजी स्वार्थ पर, शराब पर, जुए पर खर्च हो रहा है तो आपको ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। हम इसके लिए पहले भी पोस्ट डाल चुके हैं कि आप ऐसे बाहर के लोगों को कभी चंदा मत दें। गुरुद्वारे कभी चंदा नहीं मांगेगा और चंदा मांगेगा ये तो यहाँ के लोकल लोग मांगेंगे। अभी हमको एक रसीद नज़र सामने में आई है जो अमृतसर से आई है। बताइए, अमृतसर जहाँ इतना पैसा रहता है वहाँ से कोई कैसे चंदा मांगने आ सकता है गोरखपुर में? बल्कि चंदे की तो जरूरत हम लोगों को रहती है। इस गुरुद्वारे का निर्माण में यहाँ की संगतों ने के सहयोग से आज इतना भव्य बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन हमने बाजार में एक पैसा चंदा नहीं वसूल किया है। मोतीपुर गुरुद्वारे का भी यही हाल, पेडलेगंज का भी। फिर ये कुछ लोग आ जाते हैं और सिखों को बदनाम करते हैं, जिसकी हमको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आज भी जनमानस सिखों के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्यार रखता है। जब उस प्यार को कोई चोट पहुंचाएगा तो हमको कष्ट होगा। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कभी कृपया किसी को कोई चंदा ना दें। आपको गुरु घर के प्रति श्रद्धा है तो गुरुद्वारे में आएँ, वहाँ की गोलक पड़ी हुई हर तीनों गुरुद्वारों में, सभी गुरुद्वारों में गोलक होती है, उसमें आप अपने पैसे डाल दें या गुरुद्वारे के जिम्मेदार व्यक्ति से पैसा देकर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि आप जो भी आपकी मेहनत का कमाई है वो आपकी हराम की कमाई नहीं, आपकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। यही हम कहना चाहते हैं और आप इस चैनल के लिए आए हुए हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 8 दिन में सीएम के गोरखपुर के होंगे 3 दौरे, मिलेगी करीब 3,000 करोड़ की सौगात। 27 नवंबर को करीब 1,822 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 28 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना में 1,000 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। 30 नवंबर को गीडा दिवस समारोह में होंगे शामिल। 200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 4 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर रहेंगे मौजूद। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होकर करीब 950 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर के महायोजना 2031 पर प्राप्त आपत्तियों की जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में सुनवाई का कार्य हुआ प्रारंभ। कहा, 100 व्यक्तियों की गई है सुनवाई, अगले 15 दिनों तक जारी रहेगी सुनवाई। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। कहा, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी का बस से उतरने के दौरान गुम हुए पिच्छू बैग को यातायात निरीक्षक रामज्ञा प्रसाद द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के पास से किया गया बरामद। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात कार्यालय बुलाकर विवेक त्रिपाठी को किया सुपुर्द। बैग में डेल का था लैपटॉप। बैग को प्राप्त कर विवेक त्रिपाठी ने गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की काफी प्रशंसा। लेक व्यू
अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 208 में फंसे 2 साल के बच्चे को फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू यंत्रों के साथ किया रेस्क्यू। सीएफओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा, बच्चे को साकुशल उसके माँ और पिता को किया गया है सुपुर्द। सिख वेशभूषा के रूप में गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं बहरूपिये। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, गुरुद्वारे के किसी भी कार्यक्रम में नहीं वसूला जाता है किसी प्रकार का चंदा। सिख धर्म में चंदा मांगना बहुत ही है निंदनीय। पीट व छेड़खानी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रभात कुमार पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला का सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के 6,742 दिव्यांग बच्चों को दिया जा रहा है शिक्षा। विद्यालय न आने वाले बच्चों को घर पहुंचकर पढ़ने के लिए किया जाता है प्रेरित। प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त राज उर्फ किशन जायसवाल को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू को किया बरामद, भेजा जेल। राजकीय बौद्ध संग्रहालय परिसर में क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शिवम निषाद ने प्रथम, खुशी त्रिपाठी दूसरा, लीला गुप्ता ने प्रतियोगिता में पाया तीसरा स्थान। बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक ने कहा, इस तरह की प्रतियोगिता से छात्र बनेंगे प्रतिभावान। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेंटर ड्यूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, भारत में जल संकट के टॉपिक पर पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 30 नवंबर को विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने मारपीट व छेड़खानी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रभात कुमार पांडे पुत्र दीपक कुमार पांडे निवासी ग्राम देईपार थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक राजवंश सिंह, कांस्टेबल गोविंद यादव शामिल रहे। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला का एनेक्सी भवन के सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बीएसए रमेंद्र सिंह ने बताया कि समर्थ ऐप के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों के अध्यापक शामिल हुए। जनपद में 6,742 दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दिव्यांग बच्चों को भी समान बच्चों की तरह शिक्षा दे रहे हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा से ना छूटे, क्योंकि दिव्यांग बच्चों में भी प्रतिभा होती है। वह अपने प्रतिभा का उपयोग करते हुए अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनते हैं। उन्होंने कहा, दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल एजुकेटर्स तैयार हैं, नोडल अध्यापक तैनात हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उनके घर जाकर उनकी समस्या को जानते हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को उनके घर पर भी शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, होते हैं कि क्या क्या वो अचीव करेंगे, क्या कैसे करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। नोडल शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर हमारे इस पे जो एक्टिविटी दिन भर उन बच्चों से कराते हैं उसको भी अपडेट कर, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और जनपद स्तर पे जिसको एक्सेस किया जाता है। तो ये पोर्टल है हमारा समर्थ का,
जिसपे हम देखते हैं कि हमारे जनपद का जो टारगेट है प्राप्त की जा रही है, कितने बच्चों की आईपी हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बनाई गई है, ये ब्लॉक वाइज के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है। इसी तरह होम बेस्ड एजुकेशन में एक एक बच्चे की रिपोर्ट होती है। हमारे होम बेस्ड एजुकेशन में सुविधा प्रदान की जा रही है, क्या की जा रही है, एक्टिविटी कौन सी कराई जा रही है, ये सारी चीजें इस पे डिटेल में होती है। उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनानी है, वो योजना कितने बच्चों की हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बनाई गई, उसमें कितने में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ये नोडल टीचर और स्पेशल एजुकेटर दोनों के माध्यम से इसको देखा जाता है और इसमें सुधार किया जाता है और इसी के अनुसार उनकी जो निपुण लक्ष्य के पैरेलल उनको तैयार करना है, निपुण लक्ष्य के लिए तैयार करना है, उसमें इससे मदद मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग बच्चों को हम दो तरह की इंसेंटिव्स देते हैं, जिसमें स्टाइपेंड और स्कार्ट अलाउंस है। तो स्टाइपेंड के लिए हमारे जनपद में ये बालिकाओं के लिए है, 300 बालिकाओं को इस साल हम लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं, जिसमें 200 रुपया प्रतिमाह उन बालिकाओं को दिया जाता है। ये भी पोर्टल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से ही इनका चिन्हीकरण, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी है। ऑफलाइन मोड में पहले फॉर्म लिए जाते थे, उन सारी चीजों को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है। इन बच्चों का चयन नोडल टीचर के माध्यम से किया जाता है। ऐसे बच्चे जो 60% से अधिक उपस्थित होते हैं अपने विद्यालयों में, ऐसी बालिकाएं, उनको हम लोग 200 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड देते हैं। इसके लिए एक ही जरूरी चीज है, वो है 40% से अधिक की दिव्यांगता है, तो उसको विद्यालय लाने के लिए एक स्कार्ट की जरूरत होती है। वो स्कार्ट उसको प्रतिदिन व्हील चेयर के माध्यम से या कोई ड्रेस स्कूल लाता है, स्कूल से ले जाता है शाम को। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग 600 रुपया प्रतिमाह स्कार्ट अलाउंस देते हैं। इसमें भी जनपद गोरखपुर का हम लोगों ने 75% अचीव कर चुके हैं, 25% बचा हुआ है। डीबीटी के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर होते हैं, ये हम दिसंबर तक ट्रांसफर कर लेंगे। आज एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है समर्थ ऐप के माध्यम से, हम लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं अपने टीचर्स में, अपने SRG RP और नोडल टीचर्स स्पेशल एजुकेटर्स में। हमारे जनपद में कुल 6,742 दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इनको भी हम लोग सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा दे रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ हमारा विभाग इनके साथ लगा हुआ है। तो किसी भी प्रकार के कोई भी दिव्यांग बच्चा है, हम लोगों का उद्देश्य है कि वो छूटे ना, वो भी मुख्य धारा से जुड़े और उसमें भी प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा का वो अपना उपयोग करते हुए अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। कितने बच्चे हैं जिले में और किस तरह से? हमारे जिले में 6,742 बच्चे हैं, जिसके लिए हमारे स्पेशल एजुकेटर्स तैनात हैं, हमारे नोडल टीचर्स तैनात हैं। ये टीचर्स इन बच्चों को एंगेज रखते हैं, मतलब अगर स्कूल नहीं आते हैं तुरंत उनके घर जाते हैं, घर पर भी उनकी समस्याएँ सुनते हैं। बहुत से ऐसे हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, इनको होम बेस्ड एजुकेशन वहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं सबको बेहतर शिक्षा दी जा रही है। शाहपुर थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राज उर्फ कृष्ण जायसवाल पुत्र हरिकेश जायसवाल निवासी पेट्रोल पंप के पीछे श्री राम नगर कॉलोनी गडेरिया टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा, हरहवा फाटक चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे, कांस्टेबल सौरभ पाल, वीरेंद्र सरोज शामिल रहे।
राजकीय बौद्ध संग्रहालय के तत्वावधान में शुक्रवार को संग्रहालय परिसर में क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता में मूर्तिकार सुशील कुमार गुप्ता ने मिट्टी की उपादेयता एवं गुण की विस्तार से चर्चा करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को मिट्टी से बुद्ध शीर्ष व गणेश प्रतिमा बनाकर प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत समस्त प्रतिभागियों ने मिट्टी से उपरोक्त अनुसार निर्धारित विषय से संबंधित मूर्तियां बनाते हुए अपने कला कौशल का परिचय दिया, जिसमें 85 छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जिवाइन पब्लिक स्कूल के शिवम निषाद ने प्रथम पुरस्कार, गायत्री विद्यापीठ इंटर कॉलेज आजाद चौक की खुशी त्रिपाठी ने द्वितीय पुरस्कार व एडी गर्ल्स राजकीय इंटर कॉलेज की रीला गुप्ता ने तृतीय पुरस्कार तथा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज एवं एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर के अनुराग कुशवाहा तथा उत्कर्ष शर्मा ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। जिसके संबंध में बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया कि हमारे समाज में ऐसी पहल की जरूरत है। क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता के आयोजन से एक ओर जहां बच्चे अपने धरोहर के प्रति सजग हो सकेंगे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अन्य विधाओं में भी कलात्मक सृजना करने की प्रेरणा मिलेगी। इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इन्हें जागरूक करना एवं प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक है। ऐसे महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संग्रहालय का यह प्रयास निश्चय ही सराहनीय है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा, बात आप लोग बनाना शुरू कर, और विषय जो है भगवान बुद्ध और गणेश, दोनों में से कोई अच्छे से सीखने का, उसको आकार कैसे देते हैं, उसको विषय वस्तु पे कैसे ले आते हैं, ये सारा प्रशिक्षण आपको आज श्री सुशील गुप्ता जी देंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले उसको आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस तरह से एक आकृति फेस का बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटर में एक लाइन खींच लेते हैं जहाँ पे नोज वगैरह रहे। इस तरह से आईज के लिए, नोज के लिए, लिप्स के लिए लाइन खींच लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको क्लियर क्लियर मिलेगा। आइस की जगह पे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। नोज के लिए थोड़ी सी मिट्टी लेके उसको कैप्सूल शेप में बना के इस तरह के इसमें रख के प्रेस कर देते हैं अच्छी तरह। इसको मिक्स करते चले जाएंगे। धीरे धीरे शेप जगह पे थोड़ा सा मिट्टी लगा के उबार देंगे, फिर इनको मिक्स कर लेते हैं किनारे किनारे मिक्स करके बना।
जो भी ड्राइंग करना चाहें मॉडर्न क्रिएटिव बना सकते हैं, रियलिस्टिक भी बना सकते हैं। एक केस बना के डार्क कर लिए, फिर उसपे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग जाए। डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, उप निदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर द्वारा एवं रोटरी क्लब मिड टाउन के संयुक्त तत्वावधान में क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है कि क्ले से हम मॉडलिंग करते कैसे हैं, और उसके उपरांत बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे क्ले के माध्यम से, और इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा और उसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। क्या बनाने के लिए विषय दिया जाएगा? विषय हमने भगवान बुद्ध और गणेश के ऊपर बनाने के लिए विषय दिया है, और मैं उम्मीद है कि बच्चे अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शाहपुर थाने की पुलिस ने लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रजनी मैरिज हॉल पादरी बाजार के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजन चौहान पुत्र प्रमोद चौहान निवासी बैताल चोला जंगल धूषण थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा, पादरी बाजार चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल अजय प्रताप चौधरी शामिल रहे। कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को सेंटर ड्यूज कॉलेज में पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सेंटर ड्यूज कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिवर्ष 23 नवंबर से 30 नवंबर तक कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कॉलेज के छात्रों द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि भारत में जल संकट के टॉपिक पर पोस्टर पेंटिंग बनाया गया। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय होंगे, उनको 30 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा, तथा इसके अलावा खेल कूद सहित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि कल्चरल के साथ साथ एकेडमिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर पी डी सुभाष एवं प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने कहा, ¿Qué es eso?
मीडिया से। डॉक्टर मिसेज अर्चना श्रीवास्तव भौतिकी विभाग सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर। ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज में जो हर वर्ष जो है 23 से 30 नवंबर के बीच में कॉलेज स्थापना समारोह जो है मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है कॉलेज के छात्रों द्वारा के बीच में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाती हैं, जिसके अंतर्गत आज जो है 25 नवंबर के दिन पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज के अलग अलग कक्षाओं के बच्चों ने भाग लिया है। इसमें उनको उसी क्षण जो है टॉपिक बताया गया है कि आपका टॉपिक है भारत में जल संकट, इसमें उनको पोस्टर बनाना है। उनके पास एक घंटे का समय है। इसके लिए हमारे पास जजेस के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर नीति गुप्ता और प्रोफेसर निशा जायसवाल, ये दोनों लोग जजेस हैं हमारे, वो लोग इसको जज करेंगी। और इसके बाद से जो भी यहाँ पे आज के जो तीन विजय प्रतिभागी होंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, उनको जो 30 तारीख को जो समापन समारोह होगा उस दिन उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और बीच में किस तरह के कार्यक्रम? इसके अलावा जो है एकल अभिनय, सोलो सिंगिंग, एसे राइटिंग, ऑनलाइन क्विज, ये सब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और स्थापना समारोह के समापन के दिन जो है जो एकेडमिक में जिन्होंने अच्छा किया है, मतलब जिन्होंने जो है स्पोर्ट्स में अच्छा किया, जिन्होंने अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन सभी बच्चों को जो है भी पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, मतलब कल्चर के साथ साथ एकेडमिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं इसमें। डॉक्टर पी डी सुभाष, ये हर साल मनाए जाने वाले कॉलेज का स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत ये दूसरा प्रतियोगिता है, जिसमें पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता चल रही है। करीब करीब 40 प्रतिभागी इसमें हैं। डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा और इसी पर बच्चे पोस्टर पेंटिंग कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होना है? हाँ, पहला था ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन था, दूसरा आज हो रहा है कि पोस्टर पेंटिंग, इसके साथ निबंध प्रतियोगिता होंगे, इसके बाद एकल अभिनय होना है और इसके बाद एकल गायन का प्रतियोगिता होंगे और इसके बाद 30 तारीख को समापन समारोह होंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 8 दिन में सीएम के गोरखपुर के होंगे 3 दौरे, मिलेगी करीब 3000 करोड़ की सौगात। 27 नवंबर को करीब 1822 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 28 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना में 1000 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। 30 नवंबर को गीडा दिवस समारोह में होंगे शामिल। 200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 4 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर रहेंगे मौजूद। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होकर करीब 950 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर के महायोजना 2031 पर प्राप्त आपत्तियों की जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में सुनवाई का कार्य हुआ प्रारंभ। कहा 100 व्यक्तियों की गई है सुनवाई, अगले 15 दिनों तक जारी रहेगी सुनवाई। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। कहा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी का बस से उतरने के दौरान गुम हुए पिच्छू बैग को यातायात निरीक्षक रामज्ञा प्रसाद द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के पास से किया गया बरामद। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात कार्यालय बुलाकर विवेक त्रिपाठी को किया सुपुर्द। बैग में डेल का था लैपटॉप। बैग को प्राप्त कर विवेक त्रिपाठी ने गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की काफी प्रशंसा। लेक
व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 208 में फंसे 2 साल के बच्चे को फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू यंत्रों के साथ किया रेस्क्यू। सीएफओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा, बच्चे को सकुशल उसके माँ और पिता को किया गया है सुपुर्द। सिख वेशभूषा के रूप में गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं बहरूपिये। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, गुरुद्वारे के किसी भी कार्यक्रम में नहीं वसूला जाता है किसी प्रकार का चंदा। सिख धर्म में चंदा मांगना बहुत ही है निंदनीय। पीट व छेड़खानी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रभात कुमार पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला का सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के 6,742 दिव्यांग बच्चों को दिया जा रहा है शिक्षा। विद्यालय न आने वाले बच्चों को घर पहुंचकर पढ़ने के लिए किया जाता है प्रेरित। के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त राज उर्फ किशन जायसवाल को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू को किया बरामद, भेजा जेल। राजकीय बौद्ध संग्रहालय परिसर में क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शिवम निषाद ने प्रथम, खुशी त्रिपाठी दूसरा, रीला गुप्ता ने प्रतियोगिता में पाया तीसरा स्थान। बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक ने कहा, इस तरह की प्रतियोगिता से छात्र बनेंगे प्रतिभावान। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेंटर ड्यूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, भारत में जल संकट के टॉपिक पर पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 30 नवंबर को विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।